सुन, पेट्रोल पंप पे मिलते हैं। कर दे वहाँ पर, नहीं कर दे। एडमिशन को भैया मास कैसे आपका? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रॉम कुलगाम। वेलकम टू अनदर फ्रेश व्लॉग। और अभी हम हैं कुलगाम में एंड हम जा रहे हैं ख़ास जगह जिसको कहते हैं पीर की गली। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। सो मैं बाइक पे हूँ, हमारे साथ एक कार चल रही है जिसमें अभी 5 लोग हो रहे हैं। आज का प्लान हमारा यही है। सो उधर बैठेंगे, कैंपिंग करेंगे, थोड़ा सा इंजॉय करेंगे। सो अपना पूरा दिन इधर ही लगाने वाले हैं बिकॉज़ कल मैं निकलने वाला हूँ घर की तरफ को। फ़िलहाल समय हो चला है 11:41 और मौसम आज साफ है, बिल्कुल अच्छी धूप निकली हुई है। दो दिन से कोई बारिश तो नहीं हुई बट ठंड काफ़ी है इधर। और टेम्परेचर जा रहा होगा इधर से 15-16 डिग्री के आसपास। और जैकेट हर टाइम डालनी पड़ रही है एक। सो पहला काम अपना ये है कि बाइक में पेट्रोल नहीं है, इसमें पहले पेट्रोल डलवाते हैं बिकॉज अपनी ड्यूक साथ में जा रही है। डोमिनार को हमने नहीं लिया क्योंकि डोमिनार हल्की सी मिसिंग दे रही थी, तो अभी रिस्क नहीं ले सकते। हालांकि उसमें हमने टॉपअप करा दिया है, उसमें ऑयल लीकेज का इश्यू आ गया था। सो टॉपअप हमने करा दिया है बट फिर भी हम उसको नहीं लेके जा रहे थे। हाँ, इसमें शोकर का इश्यू आया था बट शोकर का इशू हमारा रिजोल्व हो गया है, तो बाइक ठीक चल रही है। सो कॉन्फिडेंस है तो इस वाली को लेके जाएंगे हम। तो पेट्रोल पम्प पास में ही है, यहाँ से मुश्किल से होगा 400 या 500 मीटर के आसपास। एक फ्लाईओवर आता है, उस फ्लाईओवर को क्रॉस करते ही पेट्रोल पम्प हमारा आएगा। सो पहले पेट्रोल रिफिल कराते हैं, उसके बाद फिर मुराद का वेट करते हैं क्योंकि वो पीछे बाइक से आ रहा है। दोनों तरफ देख सकते हो तो यहाँ पे दोनों तरफ सेब के बाग लगे हुए हैं। सेब के साथ में बाकी ड्राई फ्रूट्स भी हैं, जैसे आपका अखरोट होता है, कच्चा अखरोट होता है, बहुत टेस्टी लगता है वो खाने में। एंड और भी होते हैं जैसे पीच वगैरह होते हैं। सो कुछ फ्रूट्स हैं काफ़ी तरह के जो इधर दोनों तरफ बोए जाते हैं। एंड पेट्रोल लेने के लिए हमें ये वाला ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा। तो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप जिधर भी देखोगे दोनों तरफ आपको बड़े खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे। इस नदी का नाम मेरे को ठीक से याद नहीं क्या है, मुझे कल बताया था लास्ट वाले को, मैंने आपको बताया था क्या नाम है इसका बट आई डोंट नो, अभी याद नहीं आ रहा है। और ये पानी एकदम ग्लेशियर से आ रहा है डायरेक्ट। सो हमारी कोशिश रहेगी, हम थोड़ा ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल कैंपिंग वगैरह तो हम कर ही रहे हैं, टेंट हमने ऑलरेडी ले लिया है। सो चलो बस पेट्रोल डला लेते हैं पहले इसमें, उसके बाद हम निकलते हैं। पेट्रोल पम्प आई थिंक यही है, पेट्रोल पम्प बिल्कुल बराबर में। चलो चलते हैं। सो पेट्रोल ले लिया है, 200 रुपये का पेट्रोल डला है। पेट्रोल का रेट इस टाइम यहाँ पे चल रहा है 102, दिल्ली में 98 के आसपास है। सो सिर्फ 200 का पेट्रोल हमने लिया है क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल था। और कल जब घर के लिए निकलेंगे तब इसको रिफ़िल करा लेंगे, इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम चलता है यूजुअली। सो बस 200 का पेट्रोल लिया है हमने। एंड 200 के पेट्रोल में भी ये अभी भी हमें लो फ्यूल दिखा रही है। 200 का पेट्रोल डाला भी है उसने, लो फ्यूल दिखा रही है अभी भी। दो सौ के पेट्रोल में रिजर्व से ऊपर ही नहीं आई अभी तक भी यार, ये तो कमाल है। उधर ही डलाएंगे। चलो वी आर ऑन द रोड, मेरे साथ मुर्तजा है और गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। तो बस हम निकल गए हैं, यहाँ से है हमारा 70 किलोमीटर। और पहाड़ों पे 70 किलोमीटर होने का मतलब है आपका सीधा सीधा 2 घंटे गए, 2 से 3 घंटे का रास्ता हमारा। आप रोड पे हैं, रास्ते में एक बार और हमें पेट्रोल डलाना है बिकॉज़ उधर पेट्रोल मेरे को ठीक नहीं लगा। तो पेट्रोल रास्ते में डलाएँगे, बस भागते हैं। चलो आप इंजॉय करो। सो टाइम फॉर दी अपडेट, 1 बजने वाला है। हम थोड़ा लेट निकले थे, वेट करने में थोड़ा सा टाइम हमारा चला गया। सो जगह मैं बता देता हूँ, ये जगह है अहरबल और यहाँ पर कल वाटरफॉल के लिए हम आए थे, लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा। सो ये वही जगह है। अभी जैसे हमने एंट्री की है तो एंट्री पर टोल लगता है जिसकी कीमत है सिर्फ 10 रुपये। 40-45 किलोमीटर और हमें आगे जाना है। अभी आधा रास्ता ऑलमोस्ट कवर हो गया है, ऑलमोस्ट कवर हो गया आधा रास्ता हमारा, इधर वाटरफॉल के पास में हो जाएगा। तो ये जो रेंज आपको दिख रही है, इस रेंज के पीछे हमारा वो वाटरफॉल पड़ता है। तो बड़ी खूबसूरत जगह है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कल उधर का। तो ब्लॉग मैंने ऑलरेडी डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा है, आप एक बार जाकर वो वाला ब्लॉग भी चेक करो।
तो बस हमें पहुंचने में और यहाँ से लगभग 2 घंटे और हमें लगने वाले हैं। सो गाइस वी हैव रीच द अहरवल, दैट इज़ द एंट्री फॉर वाटरफॉल। और हमें जाना है सीधा शॉपेन की तरफ, ये रास्ता जा रहा है। सो दैट इज़ रिटन हेयर वेलकम टू द अहरवल। बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। हाँ, शूटिंग एरिया अहेड लिखा हुआ है, पत्थर ऊपर से गिरते रहते हैं तो थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। रोड की कंडीशन देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि इधर पत्थर गिरते रहते हैं। तो आज थोड़ा यहाँ पे सिक्योरिटी टाइट है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ CRPF की एक यहाँ पे बटालियन खड़ी हुई है। बिकॉज कल परसों कुछ हालात इधर ख़राब हो गए थे। मैंने जैसे बताया था, इधर शायद किसी ने सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा अभी आज माहौल ख़राब हो गया है। सो कोई बात नहीं, ये सब तो देखो चीज़ें हैं, अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है तो ये सब तो फॉलो करना पड़ता है। और आपको मैं अगर दिखाऊं कल वाली जगह जहाँ पर हमने नाश्ता किया था, वो जगह मैं आपको दिखा देता हूँ, खाना खाया था जहाँ पर हमने। भैंस की आँख, बच गए। सो ये रही वो जगह जहाँ पर बैठकर कल खाना खाया था। और रास्ता अब आगे ख़राब लग रहा है थोड़ा सा, आई थिंक ख़राब रहेगा ये, कोई बात नहीं। छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, अब इधर प्यार से निकालनी पड़ेगी। ये वो रेंज है जिसके अभी नीचे से हम आए हैं। एक्चुअली बहुत प्यारा लग रहा है ये, कश्मीर की तो बात ही अलग है। कश्मीर का तो कोई भी एंगल से किसी भी एरिया में आप चले जाओ, मतलब बड़ा खूबसूरत दिखता है कोई भी एरिया हो कश्मीर का। वैसे ही इसको जन्नत नहीं बोला जाता। और आई थिंक कैमरा नहीं दिखा पाएगा, लेकिन सामने मैं एक रेंज देख पा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ऊंचे पहाड़ हैं, जो कि अगर मैं सही हूँ तो ये हिमालय की रेंज है। इस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली रेंज सारी हिमालय की है। एंड यहाँ से भी हमें दिख रहा है, यहाँ से जहाँ क्लाउड दिख रहा है हल्का सा, ये भी हिमालय वाली रेंज है, वो पीछे वाली। वहाँ का हमारा प्लान था, बट अचानक से बाइक का काम निकल आया, जिसकी वजह से वक्त की कमी के वजह से हम नहीं जा पा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, ये कश्मीर एक बार आए तब तो आना जाना लगा रहेगा, वैसे भी मेरा दोबारा आने का प्लान है। सो ये रास्ता है जो हमें लेकर जाएगा हमारी मंजिल की तरफ। हम आए थे नीचे की तरफ से इधर से, और यहाँ से हमें टर्न लेना होता है। हालाँकि ये मैप पे में मिल जाता है, रास्ता सीधा सीधा है, कोई इशू है नहीं। ये वाला रास्ता साफ़ है, उस पर थोड़े से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है, ट्रक्स वगैरह चलते हैं तो, और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो थोड़ा डस्टी हो रखा है वो आगे 1-2 किलोमीटर में, बट ये रास्ता बिल्कुल साफ़ है। नीचे रास्ता दिख रहा है हमें, बट वो रास्ता कहीं दूसरी जगह से कनेक्टेड है क्या? नहीं, ये गूगल मैप गलत दिखाता है, हमेशा फंसवाता है। ये मैनुअल वाला रास्ता ट्रैकिंग वाला वो दिखा देता है। सो अगेन गूगल, वही हल किया गूगल ने, एक कच्चे रास्ते पर लाके छोड़ दिया। ये हालांकि रास्ता है बट ट्रैकिंग का रास्ता ही। एंड अभी कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि बाइक को इंजरी नहीं देना चाहते। अगर रास्ता ठीक होगा तो हम चलेंगे, वरना हम इधर ही दूसरा रास्ता देखेंगे, क्योंकि इतना हल्का रास्ता नहीं होना चाहिए, पक्का रास्ता होना चाहिए। उधर से चलते हैं, चल यही से घुमा। नहीं यार, मेन रास्ते से चलते हैं यार, इंजरी हो जाएगी बाइक को। वो बोल रहे हैं उधर से दूरी होगा, रास्ता सही होगा। हाँ तो उधर को ही चलते हैं, दूर होने दो। चलो जनाब, शुक्रिया। शुक्रिया जी, शुक्रिया, बस बस शुक्रिया। सुन, रिस्क नहीं ले सकते बाइक। यार ये तो देख कल्चर है इधर का, वो उनको लगता है कि बंदा अगर बाहर का वो खिलाए पिलाए बिना भेजेगा नहीं, नॉर्मल बंदे भी। हाँ हम नीचे से आए हैं ना, उधर से। हाँ हाँ, रूट वही है, उधर को चलेंगे। गूगल के भरोसे मत रहे, नहीं
नहीं, गूगल के भरोसे ना रहे। मैंने लास्ट टाइम मैं मसूरी में फंसा था गूगल के भरोसे। गाइस बहुत प्यारा व्यू है, यहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो जाती है मुगल रोड की। सो पीछे वाइट कलर का जो दिख रहा है, जहाँ पे क्लाउड्स हैं, ये हिमालय रेंज है। सो गाइस कुछ देर यहाँ पर रुके थे फोटोग्राफी के लिए। बहुत प्यारी सी नदी इधर से निकल के जा रही है, सामने का नज़ारा तो बस क्या ही कहने, बहुत खूबसूरत है। सो बाकी लोग भी पीछे आ रहे हैं, हमसे बस 5 मिनट की दूरी पे हैं, तो हम चलते हैं स्लो स्लो। तो गाइज़ हम हैं इस टाइम सुफियान में, और आधे से ज़्यादा रास्ता हमारा कवर हो गया है। अब फिलहाल हम पेट्रोल लेने वाले हैं इधर से। सो इसका टंकी फुल करा लेते हैं, इधर तो पावर नहीं दिख रहा, उस पर ट्राई करते हैं। भारत पेट्रोलियम पे पावर नहीं मिलेगा, इधर भी नॉर्मल है, कोई बात नहीं, नॉर्मल डलवा लेते हैं, अभी क्या कर सकते हैं। फाइनली अब हम थोड़ा हाइट के लिए एंट्री ले रहे हैं। ये गई अपनी गाड़ी, अब यहाँ से व्यू चेंज हो जाएगा। हम आए हैं इस पहाड़ी के पीछे से, उस तरफ से घूमते हुए, और अभी हमें जाना है इस पहाड़ी के पीछे। सो गाइस हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। तो हमारे साथ ही उधर रुके हुए, फोटो सेशन चल रहा है इनका, तो चलो इनको ज्वाइन करते हैं। अभी पहुंचे मुबारक हो कश्मीर, तो अगर आपको जल्दी से ऊपर जाना है तो यहाँ से छलांग मारेंगे, नीचे मारनी है ज्यादा ऊपर है। सही बात है, इनका ब्लू बाइकर है, लेकिन उनके पास ऑरेंज है। ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा डाउन हो गया है बाइक में, मेरे को बहुत ज्यादा लो पावर फील हो रही है, क्योंकि हम काफी हाइट पे आ गए हैं। यहाँ लिखा तो नहीं है बट फील कर पा रहे हैं। सभी लोग बोल रहे हैं पर मुर्तजा फोटो शूट में लगा हुआ है। छोड़ के चले गए, मैं भी चलता हूँ। अब इधर आके ठंडा फील होने लगा है, एक ठंडी सी हवा चल रही है जो बहुत तेज लग रही है इस टाइम पे। पीर की गली यहाँ से दिखा रहा है सिर्फ 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर थोड़ा आगे चल के और बस हम पहुँच जाएंगे। और यहाँ देखो कितना प्यारे यहाँ पे क्लाउड बन रहे हैं। सो आई थिंक इस वैली के पीछे हमें जाना है। और अब मौसम चेंज होना शुरू हो गया है, इधर टेम्परेचर डाउन हो गया है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम फील हो रहा है, बिकॉज बाइक में अब पावर लॉस हो गई है। सो हम पहुंच गए हैं पीर की गली। देखो गाइस ये कहां मिलेगा देखने को ऐसा नज़ारा, वाओ यार, आगे बिल्कुल क्लाउड्स हैं, रोड नहीं दिख रहा आगे का, इतनी प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। सो हम इधर ही कहीं पर रुकने का प्लान करते हैं, एक काम करते हैं उनको आ जाने देते हैं। भाई साहब नज़ारे देखो नज़ारे, हमें उधर ही जाना है। और इधर रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चलता है, और बहुत ही जल्दी ये सारा रोड इस साइड में सब साफ हो जाएगा। Yeah.
गाइस यहाँ से चलने का वक्त हो गया है, थोड़ा आगे अब स्टे लेंगे। ये टाइम लैप्स आपने देखा, बहुत प्यारा व्यू आया इसका। ठंडा बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत ज़्यादा। आओ चलें। अभी हम क्लाउड्स के अंदर जाने वाले हैं डायरेक्ट। गाइस दिस इज रोड टू हेवन, जन्नत के लिए रास्ता। ओह माय गॉड, पीर की गली पहुंच गए हम, बादलों के अंदर से हम जा रहे हैं। गाइस लिटरली बादल के अंदर है हम। बहुत ज्यादा ठंडा है इधर, बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाउन है, हाथ सुन पड़ रहे हैं इधर। सन दिखना बंद हो गया है ऊपर, बहुत हल्का हल्का दिख रहा है, और फॉग जो क्लाउड्स का है वो देखो कितना ज़्यादा है इधर। सो पीर मार्ग स्टार्ट हियर, अभी विजिबिलिटी बहुत डाउन हो गई है। क्या हमारी गाड़ी इधर ही है क्या? हमारी गाड़ी यहीं पे है क्या? हाँ यहीं पे, यहीं पे। Finally guys, reach the पीर की गली। Amazing view यार, amazing view, literally amazing view। बहुत प्यारी जगह है, हम क्लाउड के अंदर हैं। Guys, पीर की गली पहुँच गए हैं, बाइक यहाँ पे लगा दी हमने, गाड़ी हमारी इधर ही लगी हुई। और सबसे पहले तो भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लगी है, तो कहीं पर बैठकर अभी खाना खाएंगे। इतना ठंडा एरिया है, बहुत ज़्यादा ठंडा, ये बात ऑलरेडी मैं 10 बार बोल चुका हूँ। राइनो और ठंडा है। तो जो लोग दिल्ली से हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमारे इधर दिसंबर में ऐसा फॉग होता है जैसा इधर अभी है। और आप यकीन मानो या ना मानो, अभी अगस्त चल रहा है, अब यहाँ से निकल रहे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा इधर लग रही है। एंड प्रॉपर हमारे पास कपड़े नहीं हैं, तो खाना यहाँ पे खाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो हम नीचे जाके अब खाना खाएंगे। तो चलो आ रहा है, इसको हम पीने के लिए भरेंगे।
केसर का पानी ले लिया याद के लिए, बस यहाँ से निकलते हैं। लाओ बैग दे दो। चलो गाइस यहाँ से चलते हैं। इस रोड की खास बात मैं बताता हूँ आपको, ये रोड अगले महीने बंद हो जाएगा क्योंकि अभी इतनी ठंड है, अगले महीने ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इस रोड को बंद कर देते हैं, फिर ये ओपन होगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर ये जहाँ तक भी है फरवरी के बाद मार्च या अप्रैल में जाके ये रोड ओपन होगा फिर से। वो खड़ी अपनी बाइक। सो गाइस इस प्यारी सी जगह को बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। आप देखते हैं कभी वक्त मिला तो फ्यूचर में इंशाल्लाह आएंगे। चलो तो चलो इस वीडियो में इतना ही, ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो गई है ये वाली भी, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।